वहीं लखनऊ में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब सत्ता में बैठे हुक्मरान और उनका परिवार भी सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग की नवनियुक्ति सदस्य रुमाना सिद्दीकी के पुत्र को चाय की दुकान पर दबंगों ने बस इतनी बात पर लाठी डंडों से पीट दिया कि उसने एक बुजुर्ग को दबंगों द्वारा पीटते हुए देखा तो मना कर दिया था। जैसे दबंगों को टोका तो उन्होंने 20 से 25 स्थानीय दबंग लाठी डंडों से रुमाना सिद्दीकी के पुत्र नबी और दो अन्य साथियों पर टूट पड़े और बेरहमी से लाठी डंडों से घायल कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना रुमाना सिद्दीकी को हुई तो वह अपने परिजनों और समर्थकों के साथ थाने पहुंच गई और गिरफ्तारी की मांग करने लगी। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने भी तुरंत मामला दर्ज कर तीनों युवकों को मेडिकल के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अधिक जानकारी के साथ रेहान हमारे साथ जुड़ गए। रेहान, आखिर ये पूरा मामला क्या था? जी, बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक आयोग की नवयुक्त सदस्य रुमाना सिद्दीकी के पुत्र को गाजीपुर थाना क्षेत्र के लेखराज के पास एक चाय की दुकान पे उनके कुछ लोगों से भिड़ंत हो गई, जिसमें दबंगों ने उनको मारा पीटा। पूरा मामला राजधानी के पास इलाके में सुमार गाजीपुर थाना क्षेत्र का है। जी रेहाना, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई क्या हुई, क्या पुलिस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि आखिरकार कौन थे वो लोग? निश्चित तौर पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस लगातार दलील दे रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। किसी भी तरह का सुराग पता लगा कि आखिर वो कौन लोग थे? दबंग बताया जा रहा है, क्या सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान हो पाई है? बताना चाहूंगा कि 20 से 25 लोग थे, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस लगातार दलील दे रही है। चले, तमाम जानकारी के लिए रेहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया।